आपने बची हुई पूरी से देसी नूडल बनाई है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बनाए देसी नूडल वो भी बची हुई पूरियों से। तो सिर्फ बची हुई पूरियों से बनाए सुपर रेसिपी। पूरा वीडियो जाने के लिए हमारे वीडियो में आप सभी का हमारे शर्मा ऑफिशियल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बची हुई पूरी से टेस्टी रेसिपी, जिसे हर कोई पसंद करेगा और मांग मांग के खाएगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ठंडियों के मौसम में ज़्यादातर घरों में पूरियाँ बनती ही रहती हैं, तो यहाँ पे हमारे घर पूरी बनी थी तो पूरी यहाँ पे बच गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पूरी ली है और अब इसे हम चलिए काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लंबे शेप में इस तरह से काट लेना है, पतले पतले में इस तरह से। इसी तरह से हमें काटना है। तो यहाँ पे हमने काट लिया है, अब इसी तरह हम सभी पूरी को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, बचे हुए चीज को फेंकने से अच्छा है कि इस तरह से हम उसका यूज कर लें, बल्कि और भी बेहतर हम इस तरह से बना लें, बहुत ही चटपटी लगती है। तो इसी तरह हम सभी पूरियों को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एकदम पतला पतला काट लिया है। अगर चाकू से नहीं कट रहा है तो आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक शिमला मिर्च, हमने जो बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गाजर ले लिया है, इसको भी हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो अगर आपको गाजर ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मीडियम साइज का शिमला मिर्च लिया था, आप बड़े साइज का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटे साइज का टमाटर भी काट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे भी इस साइज में काटा है, लंबे साइज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा आप बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च। अब इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद तिल डाल देंगे। अब यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब डाल देंगे यहाँ पे गाजर, इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब पीसेस में कटे शिमला मिर्च को भी डाल देंगे, इसे भी हम थोड़ा चला लेंगे। अब साथ में ही हम टमाटर को भी डाल देंगे। अब इन सभी को हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है सब्जियों को, बस 5 मिनट के लिए ही पकाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जियाँ थोड़ा सॉफ्ट हो गई हैं, तो ज़्यादा इसे नहीं हम पकाएंगे, बस थोड़ा इसे सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम ले लेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, साथ में थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ही डालिए, नहीं तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब चटपटे फ्लेवर के लिए यहाँ पे चाट मसाला डाल देंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अपनी मनपसंद की कोई भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच जितना पास्ता सॉस डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। पास्ता सॉस की जगह आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो जो सॉस आपको पसंद है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मसाले भी अच्छे से इसमें भून गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पूरियाँ कटी हुई। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चटपटा लग रहा है। तो आप भी जब भी घर में बचे पूरियाँ तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सुबह के नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सा चटपटा सा हमारा रेसिपी बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब यहाँ एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार है सिर्फ आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स, आप इसे देसी नूडल भी बोल सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जब भी बच जाए घर में पूरियां तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो चीज़ आप बाहर खाने जाते हैं वही चीज़ आप घर पर बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में और कम सामान में, कम दाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी के साथ आप इंजॉय करें। बाय बाय फ्रेंड्स।